hello students uh, it's me your SST teacher and once again welcome you all to the virtual class children okay children in today's class we will uh, like discuss about the word meaning given on your uh, given that is given on page number 34 of your assistive book and it's uh, a word meaning of lesson 5 that uh, sorry lesson 7 that is housing for us all right so um, हम लोग क्या करेंगे ये वर्ड मीनिंग जो लेसन सेवन हाउसिंग फॉर अस में दिया गया है उसके हम उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे चिल्ड्रेन और उसके बाद एक क्विक रिविजन भी करेंगे ऑल राइट चिल्ड्रेन सो लेट अस स्टार्ट अ परमानेंट हाउस राइट परमानेंट हाउस व्हाट इज इट अ परमानेंट हाउस मीन्स अ हाउस विच कैन बी विच कैन नॉट बी डैमेज राइट परमानेंट हाउस क्या है एक ऐसा घर है अ हाउस च कैन नॉट बी डैमेज जो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं उसको बिगाड़ा नहीं जा सकते जिसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ओके जिसको हम लोग लाइक जो एक मजबूत होता है जिसको हम लोग एक आ, आसानी से उसको हम लोग बिगाड़ा नहीं जाता है ऐसे घर को परमानेंट हाउस बोलते हैं ऑलराइट

इजीली बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डिस्ट्रॉय मतलब उसको बिगाड़ सकते हैं उसको हम लोग तोड़ सकते हैं ओके okay? तो ऐसा घर जो घर हम लोग एकदम आसानी से तोड़ सकते हैं तो ऐसे घर को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी हाउस और ऐसा घर जो हम लोग एक आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं ओके okay? जो बहुत मजबूत होता है ऐसे घर को हम लोग बोलते हैं परमानेंट हाउस और रेस्टोरेंट आफ्टर दैट इज़ nomadic n o m a d i c nomadic so what does nomadic means nomadic is not permanent okay or roaming from one place to another so nomadic ka matlab kya hai ek ek jo permanent nahi hai jo asthayi uh, log होता है ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं nomadic. और जो ऐसे लोग और ऐसे like लोग जो, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं ओके जाते रहते हैं एक जो एक जगह में पर्टिकुलरली एक जगह में नहीं रहते हैं और जो एक जगह से दूसरी जगह वो लोग घूमने घूमते रहते हैं ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं नोमैटिक और राइट नोमैट पीपल और नोमैटिक पीपल और राइट तो नोमैटिक का मतलब जो अस्थाई है ऐसे लोग ऐसे चीज़ को हम लोग बोलते हैं नोमैटिक आफ्टर दैट इज़ कैरावन C A R A V A N caravan caravan means a house on wheels okay caravan का मतलब क्या है एक ऐसा घर जो चक्की के ऊपर होते चक्के के ऊपर होने वाले घर और चक्के वाले घर को हम लोग बोलते हैं कैराविन कैराविन ऐसा घर है, है जिसके पास चक्के होते हैं और हम लोग जहाँ भी जाए उसको हम लोग लेके जा सकते हैं ऐसे घर को और राइट right. क्योंकि उसके नीचे तो चक्के होते हैं और चक्के के मदद से हम लोग उस घर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं सो टाइप ऑफ हाउस इज कॉल वॉट तो ऐसे घर को हम लोग बोलते हैं कैराविन और राइट चिल्ड्रेन उसके बाद सी ए एन वी ए एस कैनवस ओके सी ए एन वी ए एस कैनवस कैनवस अस्ट्रॉन्ग क्लोथ यूज टू मेक टेंट्स एंड सेल्स कैनवस का मतलब एक ऐसा मजबूत कपड़े ओके okay. जिसके मदद से हम लोग जिसकी मदद से हम लोग क्या बना सकते हैं टेंट टेंट का मतलब है एक टेम्पररी हाउस एंड सेल्स सेल्स का मतलब है जो बोट पे हम लोग बनाते हैं ना सेल सेल करने के जाने के लिए तो ऐसे जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं बोट के ऊपर जो एक ऐसे होता है कपड़े लगाते हैं तो इस चीज़ में हम लोग ऐसे चीज़ बना कर क्या कर सकते हैं किसके मदद से बनाते हैं कैनवस के ऑलरेट right, तो कैनवस क्या है एक ऐसा मजबूत कपड़े है जिसकी मदद से हम लोग टेंट और सेल्स बना सकते हैं एंड आफ्टर दैट लॉग हट्स लॉग हट्स लॉक का मतलब लकड़ी के हट्स मेड अप ऑफ वुड ओके लॉग हट्स का मतलब ऐसा घर ऐसा हट ओके okay, ऐसे झोपड़ी जिसको ऐसे घर जो हम लोग जिसकी मदद से बनाते हैं वुड लकड़ी के मदद से बनाते हैं ऐसे घर को हम लोग बोलते हैं लॉक हट्स ऑल राय चिल्ड्रेन सो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ परमानेंट हाउस टेम्पररी हाउस नोमैडिक कैरविन कैनवस लॉक हट्स राइट सो हियर Below down, it's given a quick revision about this chapter that we learned in our previous classes, right? So, let us quickly revise whatever is given here, all right? So, we all live in the house, okay? This chapter, uh, the topic of this, or the टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज़ वर्ड चैप्टर सेवन इज हाउसिंग फॉर अर्स जो हम लोग को घर ओके हाउसिंग फॉर अर्स का मतलब हम लोग को कैसे घर चाहिए ऑल राइट वी ऑल लिव इन द हाउस हम लोग को पता ही है हम सब लोग को पता है कि आ, हम लोग कहाँ पर रहते हैं घर में रहते हैं राइट वी ऑल लिव इन द हाउस हम सब लोग घर पे रहते हैं द हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड स्टॉम तो वही घर हम लोग को किस चीज़ से लाइक सुरक्षित रखते हैं हीट से हीट का मतलब है प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित रखना हम लोग को हीट से गर्मी से कोल्ड ठंड से रेन बारिश से स्टॉम आधी से ये पूरा ये सारा चीज़ से हम लोग को एकदम सुरक्षित रखते हैं क्या, क्या क्या कैसा चीज़ सुरक्षित रखते हैं हमारे घर तो इसीलिए हम लोग घर में रहते हैं राइट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट आज फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स घर हम लोग को किस दूसरा दूसरे चीज़ से भी बचा लेते हैं कि वो क्या चीज़ है थीव्स, थीव्स का मतलब चोरों से और वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स का मतलब ऐसा जंगली जानवर जो हम लोग को खा भी सकते हैं, राइट हम लोग को हार्म करते हैं, तो ऐसे चीज से भी हम लोग को हमारे घर बचा लेते हैं There are two types of houses. तो ओके लिटरली बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेज घर भी दो तो प्रकार के होते हैं एक है परमानेंट हाउस एक है टेम्पररी हाउस राइट तो घर दो चीज में बांटे जाते हैं एक है परमानेंट हाउस एक है टेम्पररी हाउस तो परमानेंट हाउस क्या है देखिए परमानेंट हाउस आर मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स सैंड सीमेंट स्टील ग्लास एंड वुड तो परमानेंट हाउस ऐसे घर है किसके जिस चीज जैसे कि पत्थर स्टोन ब्रिक्स ईट ईट और ईटा और सैंड बालू सीमेंट से स्टील से ग्लास से वुड से ये सारे चीज़ से बनाते हैं और परमानेंट पर्म, हाउस ऐसा घर है जो बहुत मजबूत होता है और जिसको हम लोग एकदम आसानी से तोड़ नहीं सकते उसको ओके उसको बिगाड़ नहीं सकते तो ऐसे घर को हम लोग बोलते हैं परमानेंट हाउस जो कि बहुत मजबूत होता है राइट right. और परमानेंट हाउस कब बनाते हैं जब लोग वही एक ही जगह पर हमेशा के लिए रहने के लिए सोचते हैं तभी वो लोग एक परमानेंट हाउस बना के रहते हैं All right. उसके बाद है सेकेंड वन इज टेम्पररी हाउस टेम्पररी हाउस आर मेड विथ मड मड का मतलब मिट्टी स्ट्रॉ को मतलब पुआल और वुड, वुड वुड का मतलब लकड़ी तो ये तीनों चीज़ों से बनाया हुआ घर को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी हाउस टेम्पररी हाउस का मतलब अस्थायी घर तो टेम्प्रेरी हाउस ऐसा घर है जो जिसको हम लोग एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं बिगाड़ सकते हैं उसको तोड़ सकते हैं क्योंकि वो इतना मजबूत नहीं होते हैं ऐसे घर टेम्पररी हाउस मजबूत नहीं होते हैं कि क्योंकि उस किस चीज़ से बनाया होते हैं मठ मठ का मतलब कीचड़ से कि मिट्टी से स्ट्रॉप वाल से वुड लकड़ी से बनाया हुआ हुआ होते हैं ऐसे घर और ऐसे घर लोग कब बनाते हैं जब वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहने के लिए नहीं सोचते थोड़ा आ, छोटा समय तक रहने के लिए जब वो सोचते हैं तभी वो लोग ऐसे टेम्प्ररी हाउस बना के वो लोग रहते हैं और राइट एंड अ क्लीन हाउस इज़ अ हेल्दी हाउस जब आपके घर जब आप लोग अपने घर को बहुत साफ सुरक्षित रखते हैं तभी आप लोग के घर के अंदर फ्लाइस मक्खियाँ ये मच्छरों और चूहों ये सारा सा ये सारा का सारा चीज़ नहीं आते हैं और आप लोग बीमार से भी बच जाते हैं और जब आप लोग के एक घर साफ और सुधर और जहाँ पर आप लोग का विंडोज़ के से फ्रेश एयर आते हैं सनलाइट वग़ैरह आते हैं तभी आप लोग का घर क्या होता है एक क्लीनहर क्लीन हाउस माने जाते हैं तो एक क्लीन हाउस और लाइक एक साफ सुथर घर ही एक क्या है स्वस्थ घर बनते हैं तो हमेशा आप लोग को क्या ध्यान में रखना चाहिए आप लोग का घर एकदम साफ सुथर रखना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें ओके okay? तभी तो यहाँ पर बोले गए हैं कि एक साफ़ सुथर घर ही एक स्वस्थ घर होता है दैट मीन्स अ क्लीन हाउस इज़ अ हेल्दी हाउस और राइट सो Mm, from here what you learned is that we all uh, you all live in a house right we all live why do we live in a house we all live in a house in order to protect us from heat cold rain and storm and apart from that we also live in a house to protect ourselves from thieves and other wild animals all right and basically, the houses are of two types, that is the permanent house and the temporary houses. the so permanent house are those type of house which are made of stones, bricks, sand, cement, steel, glass and wood. and those types of houses are very strong houses which can't be destroyed easily. and temporary houses are such type of house which are made of mud, straw and wood. and such type of house are like not that very strong and it can be destroyed or it can be damaged easily right and you always have to remember that you, is, you always have to remember that you should always keep your house neat and clean in order to remain healthy right so uh, it is it has been said that a clean house is always a healthy house राइट चिल्ड्रेन सो आप लोग को समझ में आया होगा चिल्ड्रेन तो ये हम लोग ने अभी क्या किया एक क्विक रिविजन भी किया और हम लोग ने ये टर्म्स इम्पोर्टेंट टर्म्स और द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स भी हम लोग ने डिस्कस किया है आई होप यू ऑल लाइक